भैया बताइए, आप कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, किस संबंध में आप अभी पहुंचे और किस अधिकारी से आपकी बात हुई? आज मैं देवास जिला के प्रभारी कलेक्टर से मिला हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मुस्तैदी के साथ वोटर लिस्ट का अध्ययन किया है। पांचों विधानसभा का हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी सोनकच विधानसभा में लगभग 13,239 डुप्लीकेसी वोट की पकड़ी हमने। इतने वोट, कहीं महिला का नाम तीन जगह है, कहीं चार जगह है। और सबसे बड़ी खास बात, बीजेपी की कलाकारी उभर के आई है, शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम की कलाकारी फ्रॉड चुनाव जीतना चाहते हैं। महिलाओं पे इस बार उन्होंने दांव लगाया। अधिकतर जो डुप्लीकेट वोट हैं वो महिलाओं के हैं, तीन तीन चार चार जगह नाम है। मतलब इतनी शर्म भी नहीं आ रही कि मेरे प्रदेश की मेरी माता बहन इनके दबाव में कहीं डबल ट्रिपल वोट डालने जाएगी और गलती से पकड़ा जाए तो उसकी सामाजिक स्थिति क्या होगी। इतनी भी शर्म नहीं आ रही, महिलाओं तक को दांव पे लगाने का घिनौना षड्यंत्र शिवराज एंड कंपनी ने किया। तो आज हमने पूरे जो हमने एक्सरसाइज की है सोनकच विधानसभा की वो दिए, और चार विधानसभा की और एक्सरसाइज चल रही, हमने कह दिया कि हम ये इस तरीके से हम आँख बंद करके बैठने वाले नेता नहीं है। और हमने बात की कि जब पिछली मीटिंग में सारे प्रतिनिधियों ने कहा था कि चित्र वाली सीडी, फोटो वाली सीडी प्रोवाइड की जाए, हर दल को दिया जाए, इसमें आपत्ति क्या है, क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब काला पीला करने की गुंजाइश शिवराज से लेके मोदी तक ने भी रख रखी, चुनाव आयोग को दबाव डाल रखा कि सीडी मतलब चेहरे वाली सीडी मत दो, फोटो वाली सीडी मत दो। अरे हमने आधार कार्ड की बात की कि जब चुनाव आयोग की मंशा है, बार बार छपवाता है चुनाव आयोग कि हम आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से संलग्न करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे भैया अभी तक? हमने कहा भेजिए, हमें इलेक्शन कमीशन को हमारी मांग है कि क्या 2024 का एक चुनाव और मोदी जी को जिताना चाहते हो, क्या चाहते हो? अभी अधिकारी देखिए, अधिकारी समझते हैं कि सज्जन वर्मा और उनकी टीम आई है तो बहुत ऑथेंटिक अधिकृत जानकारी लेके आती है, तो अब उनको तो मजबूरी है, उन्हें तो जांच करानी पड़ेगी। हमारी टीम तो लगी, हम तो आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। अच्छा, ये केवल एक विधानसभा की बात है, अभी आपने पांच का बोला देवास जिले की, हाँ, पूरे प्रदेश में भी ऐसी त्रुटि आने की संभावना? अरे क्यों नहीं होगी, जब मैं इंदौर का बता रहा हूँ कि नगर निगम चुनाव में 2,43,000 वोटर फेक वोटर है, तो क्या मध्य प्रदेश में जब इनको चुनाव जीतना ही शिवराज और बीजेपी को है इन गलत हथकंडों से, तो वो तो उसमें लगे हैं। लेकिन हम भी अलर्ट है पूरे प्रदेश में, आप देखिए आज के बाद किस तरीके से हर कलेक्टर ऑफिस में जाके हमारे कार्यकर्ता ये देंगे सूची। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी फेक वोटों से चुनाव जीती? 100% जब पिछले समय मैंने 7-8 हज़ार वोट मेरी विधानसभा से निकलाए थे डुप्लीकेट सोनकच से, अभी इतने वोटों की संख्या बढ़ गई और महिलाओं की आड़ ले रहे हैं। शर्म आना चाहिए बीजेपी को कि महिलाओं की अस्मिता तक दांव पे लगा रहा है। विधायक जी आज मतदाता सूची के संबंध में कुछ शिकायतें लेकर पहुंचे थे, उन्होंने शिकायतों का एक बंच दिया है और उनका ये कहना था कि हमारी विधानसभा में जो है फोटोग्राफिक सिमिलरिटीज एरर है, मतलब जो फोटो जो है वो रिपीट हो रहे हैं कई बार, और कई सारे लोगों के नाम जो है रिपीट हो रहे हैं। तो इस संबंध में सीईओ ऑफिस से भी हमारे पास पीएससी की सूची आई थी, हम उसकी जांच करा रहे हैं और आज माननीय विधायक जी ने भी सूची दी, उन सब की भी हम लोग जांच कराएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।